आप लोग तेजस्वी यादव को हम लोग को उम्मीद है कि जरूर हम लोग मदद करेंगे और रोजगार देंगे। तेजस्वी सबका साथ दिए, हम लोग का भी साथ देंगे और देखिए क्या होता है, क्योंकि युवाओं का सरकार है। हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि जो हम लोगों को मांग पूरा करें, करेंगे। रोजगार के मतलब तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो मंच से भाषण दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो कई लोग रोजगार की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और रोजगार की बात जहाँ तक तेजस्वी यादव करते हैं, वही आप देख सकते हैं कि मंच से किस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं और उनसे ही रोजगार की मांग करने को यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं? जी, हम लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। हम लोग बिजली विभाग में 2013 से मीटर रीडिंग और पैसा वसूलने का काम करते हैं और एक एग्रीमेंट हम लोग का किया गया था 2013 में और 2013 से आज तक हम लोगों को एक ही एग्रीमेंट पे काम कराया गया और अब हम लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात करती है और एक तरफ रोजगार छीनने के का बात। हम तेजस्वी यादव को हम लोग को उम्मीद है कि जरूर हम लोग मदद करेंगे और रोजगार देंगे। हम लोग जैसे 2013 से काम कर रहे हैं आरएफ का, इसके लिए हम लोग काम बात कर रहे हैं कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हम लोग। आधा सबका उम्र लोग 10 साल 8 साल 7 साल काम किया, अब आज के बाद से जाएंगे कहाँ। जब प्रीपेड लग जाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। नीतीश जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने की तो बात आ रही है, सबको तो बेरोजगार कर रहे हैं यहाँ। तो ये श्रेय और लेने का बात नहीं, इस तरफ आइए तो देखिए सब लोग जानते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और देख सकते हैं कि तमाम जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, रोजगार को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव मंच से भाषण दे रहे हैं और रोजगार की मांग को हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं और आज कंपनी हम लोग को निकाल रही है। सुनो, इसलिए हम तेजस्वी यादव के पास आए हैं। उस समय म्यूजिक शिक्षा वाले लोग कितना साल से हाथों में पर्चियां लेकर के आए हैं, थोड़ा नीचे करिएगा, हाथ में लेकर आए हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव सामने है। तेजस्वी यादव को देख रहे हैं लोग यहाँ पर, उनको देखने के लिए पहुंचे हैं, साफ तौर से तस्वीरें आपके सामने है जहाँ पर रोजगार की मांग को लेकर यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। हमारे सरकार में हुआ, हमारे मांग है कि हम तेजस्वी शिक्षकों को भी हम तेजस्वी भैया के वो साथ देते हैं तो हम उनके साथ मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। 2024 में हम तिलर दिखाएंगे और 2025 में अच्छा देखो गोरी मीडिया के साथ भी हम उखाड़ देंगे। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। 3 तारीख को 3 मार्च को दिन पड़ता है, हम लोग के लिए रोजगार देगा उसके हम लोग तेजस्वी सबका साथ दिए, हम लोग का भी साथ देंगे और देखिए क्या होता है, क्योंकि युवाओं का सरकार है और जो युवाओं का साथ भी देते हैं तेजस्वी भैया, और देखिए हम लोग का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी भैया हमारे बिहार सेशन करवा साथ देते हैं तो हमारे इंडिया के तरफ से पूरा हम मांग करते हैं फार्मेरी काउंसिल इंडिया का, हम पटना में और हम तेजस्वी भैया कहते हैं कि हम पूरा फार्मेसी काउंसिल इंडिया के तरफ से हम उनके पूरे सपोर्ट करेंगे, मरते दम तक करेंगे तो हमारे रजिस्ट्रेशन चालू होती है। तो सभी लोगों के जोर हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को काम दिया जाए, 11 साल से काम कर रहे हैं, जब एज हम लोग का खत्म होने जा रहा है तो कंपनी निकाल रही है, अब इस समय में हम लोग कहाँ जाएंगे। लगता है तेजस्वी जी रोजगार देंगे। हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि जो हम लोगों को मांग पूरा करें, करेंगे। रोजगार के मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार के मतलब तेजस्वी यादव ही हैं। आज हमारे 4 साल हुआ हमको बीफ हुए, आज तक फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, आज हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आज रजिस्ट्रेशन हमारे हो जाती तो मैं मेदांता का इंटरव्यू लेटर लेकर बैठा हूँ, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं चालू हुई है। 8 से 9 बजे तक बारिश पड़ा।
किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो पहुँचे हैं बिजली विभाग से संबंधित है और रोजगार की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं और उम्मीद है इन्हें कि तेजस्वी यादव जरूर पूरी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और रोजगार के साथ बेहतर शादी आगे।